हेलो दोस्त, ये सिस्टम क्या है? कमाना है पैसा। अब पैसा कैसे कमाया जाए? एक तो तरीका है पैसे से पैसा कमाना और एक है बिना पैसे के पैसा कमाना। दोनों सिस्टम्स हैं। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। हमको बिना पैसे के पैसा कमाना है, यानी हमारे पास पैसा नहीं है और हमको पैसा कमाना है। और अगर आपके पास पैसा है फिर आपको पैसा कमाना है, यानी उस पैसे से पैसा बनाना है। तो दोनों के लिए हमें अपना जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा अलग चेंज रखना पड़ेगा। क्यों? देखिए, तो पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है तो पैसा कैसे बनेगा? आपको चीजें सीखनी पड़ेगी, यानी कोई स्किल आपके अंदर आएगी तभी आप पैसा कमा सकते हो। जैसे मजदूरी लोग करते हैं, मिस्त्री लोग होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, ये सब क्या इनके अंदर स्किल्स होती है या कोई चीजें ऐसी होती हैं कि वो डेली काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें, आप अगर घर पर रहकर कुछ सीखना चाहते हैं तो आज के समय की मैं बात करूं तो लगभग सबके पास एक स्मार्टफोन होता है। अगर स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फोन है या एप्पल आईफोन है आपके पास, ये एप्पल आईफोन इसलिए हो जाता है लोगों के पास कि लोग मोस्ट ऑफ दी मैंने देखा है फुल पेमेंट ना करके लोग किस्तों पे ले लेते हैं। बट फॉरगेट, ये सारी चीजें हम छोड़ते हैं, बात फोकस करना है पैसा कैसे कमाए। तो आप चीजों को सीखिए, जैसे आपका इंटरेस्ट है यूट्यूब वीडियो बनाने में तो आपके अंदर कोई स्किल सेट है, आप उस स्किल सेट को आप यूट्यूब पे सिखाइए, वीडियो बनाइए। कॉमेडी अच्छी कर लेते हैं तो वो बनाइए, सिंगिंग अच्छी कर लेते हैं तो आप उसकी वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालिए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना एक चैनल बना के वहां से धीरे धीरे करके आप चैनल को मोनेटाइज करेंगे और पैसा कमाएंगे। और अगली बात करें, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर बात करें तो आपके अंदर कोई स्किल है, जैसे मान लीजिए आप एक एडवोकेट है, आप एडवोकेट नहीं है या एडवोकेट का जो कोर्स है एलएलबी आपने कर लिया है, तो एलएलबी कर लिया तो आप कहीं वकालत कर सकते हैं, वकालत कर सकते हैं तो वहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, यानी आपके अंदर अगर स्किल सेट है, स्किल सेट आपने ग्रैब कर लिया तो आप जॉब भी कर सकते हैं, उस स्किल सेट को किसी और को सिखा के आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है, लोग कहते हैं कि छोटे पैसे से ट्रेडिंग करना। देखिए, स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा समंदर है और इसमें ऑलरेडी पहले से इतने बड़े बड़े शार्क व्हेल मछलियां बैठी हुई हैं कि हम जैसे छोटे लोगों को ये गटक जाएंगी और उनको खुद नहीं पता चलेगा कि हमको वो खा चुकी है, वो इतनी बड़ी मछलियां हैं। तो जो शेयर बाजार है उसमें अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत छोटे पैसे से आके, छोटा पैसा लगा के करोड़पति अरबपति बन जाऊंगा, बहुत ही मुश्किल चीज है ये, बहुत ही मुश्किल है। देखिए, कोई भी एसेट क्लास हो, कोई भी एसेट क्लास, गोल्ड ले लो, रियल एस्टेट ले लो, आप कुछ भी ले लो, आप उस पे कितना परसेंट रिटर्न बना सकते हो सालाना? बहुत, कोई भी कंपनी प्रॉफिट करती है 20%, 30%, 24%, ये एक एवरेज रेंज, एवरेज है किसी एसेट क्लास के प्रॉफिटेबल होने का या इंक्रीज होने का। तो आप उस हिसाब से सुनिए, सोचिए कि अगर शेयर बाजार एक आपका बिजनेस है, शेयर बाजार क्या है, एक बिजनेस है, तो बिजनेस में आप कितनी ग्रोथ ले सकते हो? तो ये फिक्स माइंडसेट के हिसाब से आपको काम करना होगा। आप ये सोच रहे हो कि शेयर बाजार में आए, 10,000 लगाए, 10 का हम सीधा 1 करोड़ बना ले, नहीं भाई, ऐसा नहीं। तो 10 का 1 लाख बनाने में लोहा ले लेना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। तो शेयर बाजार भी आप करो, सीखो, समय दो। हाँ, आप कमा लोगे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं कमा पाओगे, बिल्कुल कमा लोगे, बट समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, उतनी सहन शक्ति लानी पड़ेगी खुद के अंदर। ठीक है, तो बिना पैसे के पैसा बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग स्किल सेट डेवलप करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस चीज को सीखते हैं, तब जाके नौकरी करते हैं, पैसा बनता है, क्यों नहीं बनता? ठीक है, समय देना पड़ेगा। देखिए, समय आपको देना पड़ेगा। आज लोग कहते हैं वॉरेन बफेट जी बहुत अमीर हैं। क्यों अमीर हैं? देखिए, आज उनकी एज लगभग 90 साल है। अब सोचिए, उन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू की थी लगभग 14-15 साल से। सोचिए, उनकी उनके उनका जो पैसा है वो कितनी बार कंपाउंडिंग हो चुका है, उसका मजा वो, उस कंपाउंडिंग का मजा वो आज ले रहे हैं। सही जगह इन्वेस्टमेंट किया, उसको होल्ड किया और इतने सालों तक होल्ड किया कि उनका पैसा आज इतना दिख रहा है हमें। तो ये स्किल उन्होंने पहले डेवलप की।
14-15 साल से इन्वेस्टिंग शुरू की, इन्वेस्टिंग शुरू की, फिर धीरे धीरे उसमें जब दिमाग लगाया, उसको पढ़ा, स्टडी किया, तब उनके अंदर स्किल सेट आते गए। ठीक है, तो ये हो गया, ये कुछ चीजें हैं मैंने बताया बिना पैसे के पैसा कमाने का सिस्टम। ठीक है, अब पैसे से पैसे को कैसे कमाया जाए? देखिए, अगर अब आपके पास मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ कि 1 करोड़ रुपए है, अब आप यहाँ पे सोचेंगे 1 करोड़ रुपए मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। देखिए, 1 करोड़ रुपए अगर आपके पास है तो आप सबसे पहला इन्वेस्टमेंट का नियम है, आप पैसा उस जगह इन्वेस्ट करिए जहां पे आपका पैसा सबसे ज्यादा सेफ हो। मैं जो मानता हूं, हाँ, सेफ के साथ ग्रो भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रो मत हो, बट सेफ होना जरूरी है। जैसे 1 करोड़ है तो 1 करोड़ में से 40 से 50 लाख आप सीधा सीधा, मेरा जो सिस्टम है, मैं जो सिस्टम जानता हूँ, उसमें क्या है, सीधा आप पोस्ट ऑफिस के फंड्स में डालिए, जहां पे आपको लगभग 6.5 से 7% का रिटर्न आराम से मिलता है, यानी इन्फ्लेशन को लगभग आप बीट कर सकते हैं वहां से, लगभग, मैं एग्जैक्टली पूरा नहीं कहूंगा, बट अगर आप एटलीस्ट अपने पैसे पे इन्फ्लेशन बीट कर रहे हैं तो आपके पास बाकी 50 लाख रुपए बचे हैं। अब उससे आप क्या डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करिए, जैसे आप 50 लाख को अपने पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, अगर आपको 6% ही ब्याज मिल रहा है तो 6×5 = 30, 3 लाख रुपए साल के आपको मिल रहे हैं। अब यहां पर 10 से 20 लाख रुपए आप स्टॉक मार्केट में डालिए, जो बचे 50 लाख हैं आपके पास, उससे 10 से 20 लाख रुपए आप स्टॉक मार्केट में डालिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिस्की है। रिस्की के साथ यहाँ पे हम जो पोर्टफोलियो बनाएंगे वो थोड़ा सा क्या करेंगे, बड़ी कंपनियां, उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप, स्मॉल कैप में छोटा पैसा लगाएंगे, क्योंकि स्मॉल कैप की खासियत क्या है कि एक बार ये कंपनियां चलने लगेंगी ना, तो आपने आपका 20 लाख जो आपने इन्वेस्ट किया है उससे ज्यादा पैसा वो कब दे देंगी, आप समझ, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। तो इसलिए इतना ही पैसा हम स्टॉक मार्केट में आप डालेंगे, बाकी जो पैसे बचे हैं आप अपने लिए एक सिक्योरिटी अमाउंट अलग से रखने के बाद, जो पैसा 1 करोड़ है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है, डेली नीड्स तो आपकी है ही है, डेली नीड तो पूरी करनी है, या तो आपको पेंशन मिल रही है या तो आपको सैलरी मिल रही है, अगर उससे आपकी डेली नीड पूरी हो रही है तो बहुत अच्छी चीज है। तो फिर आप इस तरह से जो आपके पास एक मुफ्त में 1 करोड़ है उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, 50 लाख आपने पोस्ट ऑफिस के फंड में डाल दिए। देखिए, मैं बैंक क्यों नहीं है, बैंक एफडी क्यों नहीं कहा मैंने, देखिए क्या है, बैंक अगर डूबती है, ये नहीं कह रहा कि SBI, HDFC ये डूब रहे हैं, नहीं, ये डूबेंगी तो हमारी इकोनॉमी डूब जाएगी। छोटे बैंक्स में अगर पैसा है वो डूबते हैं तो आपको वहां सिक्योरिटी कितनी है, 1 लाख या 5 लाख रुपए बैंक गारंटी लेता है, आप चाहे जितना पैसा उसमें रखो। पोस्ट ऑफिस में क्या है, आपके टोटल पैसे की गारंटी रहती है, इसलिए पोस्ट ऑफिस में प्रेफर करना चाहिए हमें। अब यहाँ पर जो हमारे पास, मैंने 20 लाख, 50 लाख पोस्ट ऑफिस में डाले, 20 लाख हमने कहाँ डाल दिए, 20 लाख हमने डाल दिए अपने शेयर बाजार में। अब बाकी के जो 30 लाख बचे हैं उसका क्या करना है, तो 30 लाख में से क्या करेंगे, पहले तो आप ये श्योर कर लीजिए कि आपके पास हेल्थ बीमा है, क्योंकि आपका हेल्थ बीमा अगर रहेगा तो क्या होगा ना कि आकस्मिक कोई बीमारी अगर आती है तो उसके लिए आपको अपने जो फंड आपने कहीं इन्वेस्ट किए हैं वहां से आपको निकालना नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी ग्रो होता रहेगा और आपने जो बीमा कराया है उससे आपका इलाज हो जाएगा। तो हेल्थ बीमा बहुत कंपलसरी है। आपके पास अगर टर्म डिपॉजिट है तो भी बहुत अच्छा, टर्म डिपॉजिट भी लेकर के, मैं किसी से प्रमोट नहीं कर रहा, बट ये सब हमारी वेल्थ जो हम पैसे बचा के रखे हैं उसको और सेव करने का एक तरीका है। ठीक है भाई, कोई कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अगर आपने 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया है तो खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को एक बैकअप तो मिलेगा, कुछ वो पैसे उनके बैकअप के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें क्या करती हैं, हमारे जो पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं उनको बचाती हैं। ठीक है, तो आप ये चीजें, हेल्थ बीमा ले लीजिए, हेल्थ पॉलिसी कराइए, साथ साथ आप अपना एक टर्म इंश्योरेंस लेके रखिए। हालांकि टर्म इंश्योरेंस तो आपको बहुत पहले से लेना पड़ेगा, क्योंकि 50-60 साल की उम्र में लेंगे तो प्रीमियम बहुत हाई होंगे, जो अच्छी चीज नहीं है, तो वो आप एटलीस्ट कम से कम 25-30 साल की एज में हो तो तभी से आपको टर्म इंश्योरेंस, आपका टर्म पॉलिसी ले लेनी चाहिए, साथ साथ हेल्थ बीमा भी करा लेना चाहिए। तो अब यहाँ पर वो चीजें हो गई, तो 30 लाख रुपए जो बचे हैं, आप, मैं ये कहूंगा कि 10 से 15 लाख रुपए आप एक म्यूचुअल फंड ले लीजिए, वन टाइम पेमेंट वाला एक म्यूचुअल फंड ले लीजिए।
अब अगर 15 लाख का आप एक म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, तो म्यूचुअल फंड का मैं बहुत ज्यादा नहीं, पर 12 से 15%, मैं 12-13% का मैं मान लेता हूं कि ये सालाना आपको रिटर्न देगा म्यूचुअल फंड। 13% का अगर देता है या 12% का देता है, तो क्या हुआ, अगर 10 ही लाख आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1,20,000 रुपए आपको ये हर साल दे, ठीक है, म्यूचुअल फंड से आपको मिलेगा। अब 1,20,000 ये रिटर्न आपको मिल रहा है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि कुछ समय बाद, 2 साल 4 साल, या अगर आप 20 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में एकमुश्त डाल देते हैं तो आपको क्या फायदा मिलेगा। देखिए 20 लाख है तो मैं एक ही फंड में नहीं कहूंगा, दो फंड लीजिए, ठीक है, दो फंड लीजिए, यहाँ पे एक लार्ज कैप और एक मिड कैप, दो टाइप के फंड में आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब यहाँ से क्या होगा, अगर 12% का रिटर्न आपको मिलता है तो 12 दो 24, यानी 2,40,000 रुपए आपके रिटर्न हो गए एवरेज। यहां से आप क्या करिए, आप ज्यादा मत निकालिए, यहां से सिर्फ आप 1,000 रुपए महीने का विड्रॉल कर लीजिए, किया करिए, अगर आपको जरूरत है। नहीं है जरूरत तो आप मत करिए, आप इन्वेस्टेड ही रहने दीजिए, बट अगर आपको जरूरत है तो आप मंथली जो है 1-1,000 रुपए उस म्यूचुअल फंड से आप निकाल भी सकते हैं। तो मंथली आप निकालेंगे तो साल में आपने निकाला कितना, 12,000, ठीक है, 1-1,000 रुपए के हिसाब से 12,000 आपने निकाला, और आपको साल में मिलेगा कितना, 2,40,000। तो यहां से आप चाहें तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से 1,000 निकालना चाहे, 5,000 निकालना चाहे, या 10,000, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, आप मंथली 10,000 रुपए निकालिए। उससे क्या होगा, मंथली 10,000 का एक्सपेंस आपका मैनेज हो जाएगा, प्लस तो साल में आपने निकाला कितना, साल में आपने निकाला सिर्फ 1,20,000, और आपको रिटर्न कितना मिला आपके टोटल पैसे पे, 2,40,000, यानी 1,20,000 अभी भी आपका सेव हो रहा है। तो यहां से आपको कुछ कुछ खर्चा मैनेज हो रहा है, साथ साथ सेविंग भी हो रही है। बाकी ये हो गया 15 लाख, मान लीजिए 20 लाख हमने इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में, तो अभी बचा हमारे पास 10 लाख। अब इस 10 लाख का हम क्या करेंगे, यहाँ इस 10 लाख का हम करेंगे, पहले तो मैं ये कहूंगा अगर आप छोटा मोटा रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो बचा 10 लाख, तो आप ये टोटल कर दीजिए। अगर नहीं करना चाहते, 1-2 साल रुक के करना चाहते हैं, या जो भी है वो आपके ऊपर है, ये मैंने ये पैसे रियल इस्टेट में अभी क्यों नहीं इन्वेस्ट करने को कहा, क्योंकि आदमी जब नौकरी में होता है, जब ज्वाइन करता है, तो उसके कुछ साल में ही वो अपना घर और बाकी चीजों, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर देता है। जब उसको एक मुश्त पैसा मिलता है तो वो सोचता है कि इससे मुझे कुछ इनकम जनरेट होती रहे। रियल एस्टेट में जल्दी जो इनकम जनरेट होती है वो उतनी नहीं होती जितना हम सोचते हैं। 4% 6% यील्ड होता है, बहुत ज्यादा नहीं, 6% तो बहुत मुश्किल से जाता है, 2.5 से 3% या 4% बहुत ज्यादा जाता है रेंटल यील्ड की अगर हम बात करें। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए रियल एस्टेट का अभी नाम नहीं दिया था, बट जो 10 लाख बचे हैं तो मेरे हिसाब से उसको आप इन्वेस्ट कर दीजिए। कहाँ पे, रियल एस्टेट में अगर करना चाहते, कोई छोटी मोटी जमीन है जो थोड़ा सा सस्ते में मिल रही हो तो वो ले सकते हैं, नहीं तो मैं कहूंगा आप इसका गोल्ड खरीद लीजिए, कुछ गोल्ड खरीद लीजिए, कुछ सिल्वर खरीद लीजिए। क्योंकि एक स्टेबल मनी की बात करें तो वो गोल्ड एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट माना जाता है। रिटर्न ऑफ ग्रोथ की बात करूं तो मैं स्टॉक मार्केट के इतना नहीं देगा, बट गोल्ड बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। तो इस तरह से मैं आपके 1 करोड़ का जो पोर्टफोलियो है, मैं सजेस्ट करूंगा कि इस तरह से आप बना सकते हैं। बाकी आप हेर फेर कुछ कर सकते हैं, ये आपका पैसा है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये तो मेरा एक सजेशन है, जिस तरह से मैं करता हूँ, जिस तरह से मैं सोचता हूँ, वो मैंने आपको बताया। अब आपको सुटेबल लगता है तो अच्छी बात है, बाकी इसमें हेर फेर तो आप कर ही सकते हैं। तो ये था पैसे से पैसा बनाने का एक तरीका। तो यहाँ पे दोनों चीजें मैंने बताई, अब आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, समझ में आया हो, अच्छी लगी हो जानकारी तो कमेंट करके बताइए, इसमें और कोई चीज मैं ऐड कर सकता हूँ तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।